नोएडा के क्लियो काउंटी सोसाइटी में गेट खोलने में देरी पर एक महिला ने सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारा। पुलिस ने आरोपी महिला सुतापा दास को गिरफ्तार कर लिया है। थप्पड़ बाज महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुंबई में उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में गणेश विसर्जन के दौरान हुई झड़प के बाद उद्धव गुट के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। अपने समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद उद्धव गुट के कई बड़े नेता दादर पुलिस स्टेशन पहुंचे और हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। सोनाली फोगाट केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हिसार में हुई खाप पंचायतों की बैठक। परिवार के 5 सदस्यों और खाप के 10 प्रतिनिधियों को मिलाकर 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। यह आगे की कार्रवाई के लिए सरकार से बात करेगी। अगर 23 सितंबर तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं हुआ तो 24 सितंबर को फिर से महापंचायत होगी खाप की। बरेली में नेवी कैप्टन की पत्नी और साहित्यकार कविता अरोड़ा को एसिड अटैक की धमकी दी गई है। उस्ताद राशिद खान एकेडमी में डीन ना कविता को अज्ञात शख्स ने फोन पर कहा, मुस्लिमों के साथ काम करना बंद नहीं किया तो घर फूंक देंगे और चेहरे पर तेजाब फेंक देंगे। एमपी के कटनी में नाबालिग बच्ची से रेप करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है, जिसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों लोगों ने मिलकर सड़क को जाम कर दिया। अधिकारियों ने दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची से सटे गांव में आदिवासी हिंदू लड़कियों का मुस्लिम युवकों पर बड़ा आरोप। कहा, हथियार दिखाकर मनचले बना रहे दबाव, दोस्ती नहीं करने पर गोली मारने की धमकी दी है। छात्राओं के माता पिता ने लगाई सुरक्षा की गुहार। मध्य प्रदेश के फरार बिशप पीसी सिंह पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। बिशप पीसी सिंह का डी कनेक्शन सामने आया। दाऊद के राइट हैंड रियाज भाटी से बिशप के संबंधों की जानकारी मिली है। पीसी सिंह ने गैंगस्टर रियाज भाटी से मुंबई में जमीन का सौदा भी किया था। बिशप पीसी सिंह के घर पर ईओडब्ल्यू ने जबलपुर में छापा मारा तो उसकी अकूत संपत्ति का खुलासा हो गया। पीसी सिंह के घर से 9 महंगी गाड़ियां बरामद हुई हैं और साथ ही 2.25 करोड़ रुपए कैश और विदेशी मुद्रा भी मिली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले की तेजी के साथ जांच का आदेश दिया। कोलकाता में मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी मामले में ईडी की छापेमारी में 17 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो गई है। अभी तक ईडी की टीम ने जब सारे नोट निकालकर जमा किए तो 500 और 2000 की गड्डियों का अंबार लग गया। फिलहाल मुख्य आरोपी आमिर फरार है।